दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांगुसंगे अभंगं विभूते गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जीओ गुरु फतेह प्रवान करो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पावन बोल धन गुरु अर्जन देव साहिब दे एक मनुख ऐसा है कि जिन्हां दे जीवन विच कोई टेक नहीं है, कोई धर नहीं है। धर कहिंदे ने सहारे नूं, आसरे नूं। तो ऐसा मनुख थां थां ते आसरे लभदा है, थां थां ते। पर इस मनुख नूं कौन दसे कि जितने भी ये सहारे हन, आसरे हन, ये सारे दे सारे आसरे अर्जी हन, टैंपरेरी हन। बस एको ही सहारा ऐसा है जिहड़ा सदैव तक रहिंदा है, एको ही सहारा। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज बचन करदे हन, अधरंग धरंग धारणे निर्धनं धन नाम नर हरे। कि जिस मनुख दा कोई आसरा नहीं है, कोई टेक नहीं है, पर हाँ कबूल कर लवे, ए प्रभु मेरी कोई टेक नहीं है, मेरा कोई आसरा नहीं है, तेरे तो सिवाय, कहिंदे ने उदों फिर आसरा बनदा है निरंकार परमात्मा। इत्थे एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा। द्रौपदी श्री कृष्ण जी महाराज नूं कहिंदी है, महाराज एक गल नहीं मैंने समझ आई, आप जी ने मेरी लाज भी रखी, मेरे पर्दे भी ढके, पर मैनू लगता है उदों तक बहुत देर हो गई सी। तो श्री कृष्ण जी महाराज की कहन लगे, ऐ द्रौपदी, ऐ मेरी बच्ची है, तू मैनू याद ही छेवें नंबर ते कीता, फिर मैं की करां। तू अपने पंज पत्तियां नू याद करदी रही, बुलांदी रही, पर किसे ने तेरा सारा, किसी ने तेरी तेनू टेक नहीं दिती, सारा नहीं दिता। जदों छेवें नंबर ते मैनू याद कीता, मैं त्यार बर त्यार खड़ा सी, मैं तेरे कोल पहुँच गया। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि मनुख किधरे कबूल लवे कि मेरा सारा तेरे तो सिवाय होर कोई नहीं है, कोई नहीं। अधरंग धरंग धारण है, जिहदा कोई सहारा नहीं है, उहदा सहारा परमात्मा है। जिहड़ा मनुख निर्धन है, निर्धनं धन नाम नर हरे। इत्थे मैं एक छोटी जी अर्ज करां। एक दरवेश फकीर बैठा सी, ते एक मनुख ने आके उहदे चरणां ते एक थैली रखी है, उहदे विच
बहुत सारी दौलत है, मत्था टेकिया है और कहिंदा इहनू कबूल करो। तो फकीर की कहिंदा है, कहिंदा है पुरखा ये कबूल है पर इसनू तू अजे लै जा अपने घर ही, जदों फिर कदे लोड़ होवेगी मैं तेरे तो मंग लवांगा पर हाले इसनू तू लै जा। कहिंदे ने ओ मनुख जारों जार रोंदा है, जारों जार, और कहिंदा है महाराज मेरे कोल इस तों सिवाए होर कुछ भी नहीं है, मैं अत दा गरीब हाँ, घट तो घट ये तो कबूल कर लो, मेरे कोल इस तों सिवाए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं अत दा गरीब। तो फकीर दे नाल जिहड़े चेले बैठे सी वो कहण लगे महाराज जिहदे कोल धन होवे वो अत दा गरीब किवें हुंदा है, जिहदे कोल धन होवे वो किस तरह कह सकदा है कि मेरे कोल कुछ भी नहीं है। तो फकीर की कहिंदा है, कहिंदा ये जो कुछ भी आख रहा है, जो कुछ भी कह रहा है ये बिल्कुल 100% ठीक कह रहा है, इहदे कोल धन तो सिवाए कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। मनते हाँ धन इहदे कोल है पर इहदे कोल मिठे बोल नहीं हन, मनते हाँ धन इहदे कोल है पर निम्रता नहीं इहदे कोल, धन इहदे कोल है पर इहदे जीवन विच सच बोलना नहीं है। तो इस करके ये कहिंदा पिया है मेरे कोल धन तो सिवाए कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं, तो मैं गरीब हाँ, मैं निमाणा। निर्धनं धन नाम नर हरे, उस मालिक दा नाम ए धन है, सब तो उत्तम धन है, सब तो उत्तम। क्योंकि जदों धन गुरु अर्जन देव साहिब तो एक सिख ने नाम दी दात मंगी, क्योंकि नाम भी धन है, सतगुरु पातशाह कहिंदे ने चंगा भई तू रोज़ जपिया कर, रोज़ गाया कर, सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी है। रोज़ जपदा है, रोज़ गाउंदा है, जपदियां जपदियां मालक दी एक ऐसी खेड हुंदी है कि जीवन दे विच धन करके गरीब हो जाता है, एक खेड आती है प्रभु की। तो सारे लोग कहन लगे पुरखा तू चंगा नाम लिया है, तू चंगी भगती शुरू की है कि तेरा कारोबार भी ठप हो गया। उस एक कहता है कोई गल नहीं है, ये भी प्रभु की मौज है, ये भी प्रभु की मर्जी है। फिर एक दिन समा बनता है, गुरु साहिब दे कोल जांदा है, मत्था टेकदा है, तो धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज पुछदे ने गुरमुखा की हाल है, ते ओ सिख कहिंदा है महाराज आनंद है, आनंद है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहन लगे पुरखा तेरे कोल धन नहीं है, तेरे कोल कारोबार नहीं है, फिर भी तू कहिंदा है आनंद है, आनंद है। तो वो सिख की कहिंदा है महाराज बेशक मेरे कोल धन नहीं है पर मेरे कोल नाम धन जरूर है, मेरे कोल इबादत भगती जरूर है। तो पातशाह कहन लगे पुरखा अज तो बाद तो धनवान ही होवेगा, धन करके भी नाम करके भी, क्योंकि असी तेन देखना चाहते सी तेन कितना भरोसा है नाम ते भगती ते। साहिब कहंदे ने निर्धनं धन नाम नर हरे, जिहदे कोल धन नहीं है उहदा भी आसरा परमात्मा है। अनाथ नाथ गोबिंदे, हुण एक मनुख कह देंदा है मैं हुण अनाथ हाँ, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं।
धन गुरु नानक साहिब ने सवाल किया सी सिद्धा ने, कह लगे ए हिंदी फकीर, ए साई जी एक गल दसो, तेरा नाथ कौन है, तेरा स्वामी कौन है? क्योंकि किसी का नाथ सी गोरख, किसी का नाथ सी मछिंद्र, भाई कायदा अपने नाम के पिछे नाथ लगाते सी, गोरखनाथ, मछिंद्र नाथ, गोपी नाथ, तेरा नाथ कौन है, तेरा गुरु कौन है? धन गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे मेरा नाथ तो वो आप है, आप नाथ, नाथी सब जाकी। जिन्होंने सारे जगत नो नथिया होया है, मेरा तो वो नाथ है, मेरा तो वो मालिक है। जिन्होंने सारे जगत नो नथिया होया है, अपने वस विच कीता होया है, वो मेरा नाथ है। तो जिहड़ा मनुख अनाथ हो जाए, एक दो नुक्ते आप जी दे सामने रखा, जन नशीन कर लेना। असी उसनू अनाथ कहिंदे आ जिहदे सिर ते माता पिता का साया ना होवे, कह देने अनाथ है। जां फिर जिसे दे घर पुत्र ना होवे, बेटी ना होवे, उसनू असी कह देने आ ए औत है, इहदा कोई बच्चा नहीं है। ते पिंडां दे विच तां जे किसी नू कह दईए ए तां औत है, तो उसनों बहुत वड्डी गाल लगती है, झगड़ा हो जाता है, मैनू औत क्यों आखिया। ये दोवें शब्द अक्सर असीं बोलते हाँ, इहदे घर बच्चे नहीं हन, ये औत है, इहदे सिर ते किसी का साया नहीं है, ये अनाथ है। पर धार्मिक दुनिया विच ऐसा नहीं है, नहीं, धार्मिक दुनिया विच किया है कि अनाथ ओ है जिहदे सिर ते प्रभु नहीं है, गुरु नहीं है, निरंकार नहीं है, भगती नहीं है, ओ अनाथ है। बेशक ओहदे सिर ते पिता दा साया है, माँ दा साया है, ब्राह्मां दा साया है, बेशक है, पर जे गुरु दा साया नहीं है, अनाथ है। क्योंकि एक ना एक दिन ओ साथ ओ साया खत्म हो जाता है। अक्सर एक कुदरत दा नियम है, किसी दे सिर ते पिता दा साया है, पिता रुखसत कर गया, माँ दा साया है, माँ रुखसत कर गई, ब्राहवां दा साया है, ब्राह साथ छड़ गए। पर एक साथ ऐसा है जो ओढ़क तक निभदा है, ओढ़क तक, सेवक की ओढ़क निभ ही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत, सेवक की ओढ़क निभ ही प्रीत। तो अनाथ ओ है जिहदे सिर ते प्रभु दा साया नहीं है। और औत कौन है? जिहदे जीवन विच भगती दा जन्म नहीं होया, ओ मनुख औत है। बच्चे नहीं होए कोई गल नहीं है, ये तां कर्मां दी खेड है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बोल हन, मात पिता बनिता सुत बंधप, इष्ट मीत अर भाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंते को ना सहाई। कोई संजोग सी पुत्र बन के आ गया, संजोग सी बेटी बन के आ गई, कोई पिछला संजोग सी पत्नी बन के आ गई, पति बन के आ गए, कोई पिछला संजोग सी माँ बन के आ गई, पिता बन के आ गए। जिवें जिवें लेखा खत्म होया तो संजोग बदल गया, विजोग दे विच विछोड़ा हो गया। जे आप जी नूं यकीन ना होवे, एक छोटी जी गाथा आप जी दे मैं सामने रखा थोड़े शब्दों में। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज दे कोल
एक जोड़ा आंदा है, कहिंदे ने महाराज अरदास करो कि साडे घर विच भी कोई बच्चा होवे। तो महापुरुष कहण लगे कि बच्चे वास्ते मैं अरदास करां, पर एक गल होर चेते रख लेना, पूर्वले जन्म दे विच तुसी इतनी भगती कीती है दोवां ने और इतना प्यारा जीवन जीविया है कि कदे किसे दा भी एक पैसा नहीं आप जी ने खादा, कदे किसे नूं धोखा नहीं दिता, और जदों भी तुसी दान कीता, पुन कीता, लोड़वंद दी सेवा कीती, उहदे बदले कुछ धारणा नहीं रखी, आप जी ने निष्काम सेवा कीती। नहीं तां असी वैसे तां कह देने आ कि मैं निष्काम कीर्तन करदा, मैं निष्काम कथा करदा, पर गुस्ताखी माफ, अंदर एक भावना हुंदी है कि मैं ये कह के कि मैं निष्काम कथावाचक हाँ, पर अंदर एक कामना हुंदी है कि मैं बहुत चोटी दा कथावाचक बन जावां, कामना अंदर हुंदी है। बेशक मैं पैसे ना लवां और कह देना निष्काम कीर्तन, पर अंदर धारणा हुंदी है मैं चोटी दा कीर्तनिया बना, तो कामना मौजूद है। आप जी ने जितना दान किया, पुन किया, लोड़वंदा की सेवा की, निष्काम कोई कामना नहीं सी, और जिथे जिथे दान किया, जिथे जिथे लोड़वंदा की सेवा की, उत्थे तुसी मुड़ के ही नहीं देखिया कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरे बारे कुछ आके। फिर आप जी का जीवन खत्म हो गया, आप जी दोबारा रूहे जमी ते आए दोनों ही। हुण मैनू ये दसो, जदों आप जी का लेखा जोखा ही नहीं किसी दे नाल, ते पुत्र बन के कौन आवे, बेटी बन के कौन आवे, क्योंकि लेखा ही नहीं है। जदों के साहब कहिंदे ने पूरब जन्म के मिले संजोगी, जे साडे घर कोई पुत्र बन के आया है और साडी सेवा करदा पिया है, जरूर साडा उहदे नाल पुरबले जन्मां दा संबंध है। और जे किधरे पुत्र रोज़ साडे तों कुछ ना कुछ खो के लै जांदा है, तां गुस्ताखी माफ, जरूर साडा पिछले जन्म दा लेन देन है। हुण पुत्र बन के लै रहा है, असीं भी देई जा रहे हैं, कमा कमा के मेहनत कर करके देई जा रहे हैं, जां लैण वास्ते आया है जां देण वास्ते आया है, दोवां दे विचों एक गल है। हुण तुहाडे घर कौन आए, क्योंकि तुसी जीवन बहुत चंगा बतीत कीता है, तो उत्थे उन्होंने एक सवाल खड़ा कीता कि महाराज जे किधरे साडा जीवन इतना चंगा सी, इतना चंगा सी, ते फिर दोबारा जन्म क्यों होया साडा ना दे। तो धन बाबा नंद सिंह जी ने की गल आखी, ध्यान देना, कि एक दिन तुसी संगत विच बैठे सी, संगत विच बैठे सी, तेरा परिवार कोई होर सी, इहदा परिवार कोई होर सी, लेकिन थोड़ी एक दूजे की निगाह एक दूजे ते पै गई, तो अंदरों एक ख्याल बन गया, काश ऐसा मेरा पति आंदा, काश ऐसी मेरी पत्नी आंदी, एक ख्याल आ गया, और यही ख्याल आप जी नूं दोबारा लेके आए हैं, यही ख्याल। तो गुस्ताखी माफ, जदों भी किथे बैठदे हो, अपने ख्याल निर्मल ते पवित्र रखिया करो, जिथे भी बैठो। बेशक संगत विच बैठे हो, होर थां ते बैठे हो, कदी भी ऐसा ख्याल ना लेके आना, काश ऐसा मेरा पुत्र होंदा, काश ऐसा मेरा पिता होंदा, काश ऐसा मेरा पति होंदा, ऐसी पत्नी होंदी, कहिंदे ने फिर ओही वासना मुड़ के फिर लियांदी। तो मैं अर्ज कर रहा सी, इको नाथ चाहिदा है परमात्मा, अनाथ नाथ गोविंद है, बलहीन बल केशवे,
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਲਹੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਹਾਥੀ, ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਦਿਆਲ ਅਚਤ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੰਠਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੰਠਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਤਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੰਤੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਦਮੋਂਦਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੰਧੂ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਏ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਓ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ, ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਗੋਦ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਦਾ ਬਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਬਗੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੇ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰੁਣਾਮੈ, ਸਰਬਗੇ ਪੂਰਨ, ਸਰਵਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਰਬਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਓ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਚਲਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸੰਵਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸੰਵਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ।